हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम लोग भी सब ठीक है। हमारा यहाँ पे काल से ना ऋषिप और हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया है, तो गोपाल जी को लेके जाना है। काल तो बहुत सारा लोग लेके गया, मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि बिट्टू का तबीयत काल भी थोड़ा सा डाउन जैसे लग रहा था, तो उसको ट्यूशन भी कल भेजा नहीं था, तो आज मैं लेके जाऊँगी। सुबह का पूजा वगैरह हो गया, मैं ये कपड़ा डाल के नहीं जा रही हूँ, अभी गोपाल जी को देके आती हूँ, उसके बाद कपड़ा डाल के जाऊँगी। तो चलिए, ऑलरेडी लेट ही हो गए। गोपू माधव आज बहुत खुश है, बहुत दिन के बाद बाहर जा रहे हैं। और आज ना हमारा फ्लोर में एक जन शिफ्ट हुआ है और सुबह से सामान लिफ्ट में लेके जा रहा है, इसलिए मैं सीढ़ी से जा रही हूँ। रास्ता बहुत ख़राब है और एक हाथ में मेरा फ़ोन है और एक हाथ में गोपू माधव, गिरेगा तो तीनों ही गिरेगा। गोपू माधव को लेके मैं मंडप पहुँच गई और अभी पुजारी जी पूजा कर रहे, तो इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ। गोपू माधव को बिठाने के बाद ही मैं घर पे जाऊँगी। कितना सारा गोपाल आया, बहुत सुंदर लग रहे। राधा माधव भी आया है और गौनिताई भी, और सामने जो गोपाल है ये देखिए, एक छोटा बाबू जैसा इतना बड़ा है, बहुत अच्छे से सजाया भी है। और थोड़ा बड़ा गोपाल को तो बहुत अच्छे से सजाया भी जाता है। और फूलों का डेकोरेशन देखिए, बहुत मस्त बनाया। बहुत गर्मी है, ऊपर तो कुछ जड़ा कपड़ा लगाया ही नहीं है। ये देखिए, मैंने रेडी हो गई और ब्लैक कलर का कपड़ा डाली है मैंने। शादी के लिए जो चोकर लिया था ना, वो आज मैंने डाला है। ये कान के साथ ना बहुत अच्छे से आ रहे हैं। इसके साथ झुमका था लेकिन वो मैं नहीं डाल रही, और हाथ में मैं ये डाली है। 11:30 बजे तो जाना है, अभी 11:30 बज गया है, तो फ्रेंड अभी अभी फ़ोन किया था, तो चलिए वहाँ पे जाके आप लोग के साथ मिलती हूँ। ये जो घोड़ा का गाड़ी आप लोग देख रहे हो ना, इसमें गोपाल को बिठा के नगर भ्रमण के लिए गया था। 9 बजे नगर भ्रमण था, लेकिन कितना बजे हुआ है पता नहीं, हम तो नहीं गए थे। ये दोनों भंजा का बीबी है और हमारा ग्रुप में अभी कोई भी नहीं आया, हम 5 आए और ये दोनों फ्रेंड है। बहुत गर्मी है और ऊपर से मैं ब्लैक कपड़ा डाल के आई, ऐसा तो दिन में लाइट कपड़ा ही डालना चाहिए, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों मन में हुआ ये कपड़ा डालने का। और आधा घंटे के बाद अभी आरती चालू हुआ, तो सब लोग आरती का गाना गा रहे थे और क्लैप कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, अभी तो मंडप पूरा भर ही गया है, तो चलिए मैं ना चारों बाजू आप लोग को घुमा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, हम लोग खड़े हो गए और अभी ना एक ड्रामा होने वाला है। ये जो कहानी है ये है कान्हा का प्रिय सखा सुधामा कान्हा को मिलने के लिए द्वारका आया था, वो कहानी है। ये तो सबको पता है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी। तो जब सुधामा द्वारका आया था, तभी द्वारपालक को बोला जो मैं कान्हा का सखा हूँ, बचपन का सखा हूँ, तो वो लोग विश्वास ही नहीं किया क्योंकि उनका वेशभूषा देख के उन लोग को लगा ही नहीं है जो कान्हा का सखा है। तो उनको द्वार पे खड़ा करके वो जो गार्ड है वो कान्हा के पास जाके उनको बताया जो ऐसा ऐसा वेशभूषा है, वो आपका सखा बता रहे। तो ऐसा सुन के कान्हा को पता चला जो उनका प्रिय सखा सुधामा उनको मिलने के लिए आया है। फिर कान्हा भाग के दड़ के सुधामा के पास गया, फिर गले लगाया,
फिर उनको साथ में लेके आके उनका सिंहासन में बिठाया। जिन्होंने सुधामा का किरदार निभाया ना, बहुत ही अच्छा था सच में। ऐसा मंडप पे कोई था ही नहीं जो उनका आंखों में आंसू नहीं आया, बहुत ही अच्छा किया है। जब से सुधामा कान्हा को देखा तब से सुधामा का आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे, और ये तो खुशी का आंसू है क्योंकि बचपन का सोखा के साथ कितना दिनों के बाद मिल रहे हैं। आज गौर कथा था, गौर कथा समाप्त होने के बाद सबको नृत्य करना है, तो कितना 6-7 गाना का सब लोग मिलके डांस किया है। सब लोग आप देखिए, मंडप में कोई भी ऐसा खड़ा है ही नहीं, सब लोग बहुत मज़ा किया, सच में बहुत एंजॉय किया है। हम लोग बहुत बार गया है ऐसा, लेकिन इतना डांस मैं कभी किया ही नहीं, सच में बहुत अच्छा लगा। शाम होने को ही आया लेकिन देखिए मंडप पूरा भरा है, ऐसा लग रहा है कोई घर पे गया ही नहीं है। ये सब डांस होने के बाद फूलों का होली होने वाला है, उसके बाद बताशा वगैरह ऐसा होरी नोट बोलते हैं वो होने वाला है, फिर एक मटकी फोड़ेगा वो सब होने वाला है। तो अभी तो फूलों का होली चालू हो गया और फूलों का होली दिखने में बहुत अच्छा लगता है। सबको देखिए, सबका सर में जैसा फूलों का बारिश हुआ है। और आज कथा में बोल रहे थे जब महाप्रभु का जन्म हुआ था तब 3 ग्रहण लगा था, और आज भी यहाँ पे होरी नाम का ग्रहण लगा है। सब लोग आनंद से इतना झूम रहे थे, सच में बहुत अच्छा लगा। और पीछे मेरा फ्रेंड खड़ा है, मुझे अचानक दिखाई दिया, और ये फ्रेंड ना बहुत ही अच्छा है। आज का दिन ना बहुत अच्छे से गया, कैसा बीता है पता ही नहीं चला। हम लोग बहुत एंजॉय किया है, डांस भी किया है बहुत, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा था। उधर का मंडप ठीक से बांधा नहीं ना, साइड के नीचे से खोलना चाहिए ना थोड़ा सा, हवा पास ही नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी था। और ऊपर से ब्लैक साड़ी डाल के गया था, मुझे तो और भी ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो अभी तो खा लिया है, अभी रात को कुछ नहीं खाएंगे, अभी गोपाल को शयन देगा। तो चलिए मैं वीडियो यही पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना। तो अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुड ड्रीम।